महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री आदरणीय श्री देवेंद्र जी फडणवीस बस कुछ ही अवधि में इस समारोह में पधारेंगे। न्यू इंडिया कॉन्क्लेव का जो मुख्य समारोह है नई दिल्ली में जुलाई महीने में पहले हफ्ते में होगा। भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र जी मोदी को हमने इस कार्यक्रम में उपस्थित रहने का न्योता दिया है। मोदी जी ग्रामीण भारत एवं शहरी भारत के युवाओं का एक प्रेरणा स्थान है। उन्होंने हमारा न्योता स्वीकार किया है और उस समारोह में पुरस्कार प्रदान करने हेतु वे उपस्थित रहेंगे और साथ ही कई सारे राज्यों के मुख्यमंत्री एवं महानुभाव भी उस समारोह में उपस्थित रहेंगे। देवी और सज्जनों, आज के समारोह की शुरुआत हम दीप प्रज्वलित करेंगे। मैं श्रीमान अक्षय कुमार जी, मृत्युंजय सिंह जी, अंकुश तिवारी जी, राधा कृष्णन पिल्ले जी एवं रेवती रॉय जी जो कि Y4D के मेंटर्स हैं, उन्हें आमंत्रित करती हूँ फॉर द लैम्प लाइटिंग। दीपेन लोकान जयति दीपस तेजोमय हस्मृतः चतुर्वर्ग प्रदोदीपन तस्मात दीप यजेत प्रिय। दिस कपलेट इन संस्कृत ट्रांसलेट्स, द लैम्प इज ल्यूमिनस, its radiance grants victory, its light imparts dharma, artha, kama and moksha, that is righteousness, prosperity, pleasure and finally emancipation. The function being inaugurated, I request all the dignitaries to kindly take your seats in the audience. Y4D, Youth for Development, is foundation ke adhyaksh Shriman Praful Nikar. New India Conclave mein aap sabhi ka swagat hai. Main sabse pehle Akshay Kumar ji ka hardik dhanyavad karna chahta hu कि वो ना तो इस कैंपेन के साथ सिर्फ जुड़े, वो इस प्रोग्राम में भी उपस्थित हुए और उन्होंने आश्वासन दिया है कि आखिरी जो जुलाई में फर्स्ट वीक में प्रोग्राम होने वाला है वो भी वहाँ भी उपस्थित रहने का प्रयत्न करेंगे। मैं विभिन्न राज्यों से आए सामाजिक कार्यकर्ता जो खासकर ग्रामीण भारत के विकास में काफ़ी काम कर रहे हैं उनकी उपस्थिति के लिए मैं खासकर उनका धन्यवाद देता हूँ। मीडिया बांधव जो इस कार्यक्रम को सिर्फ यहाँ पर कवर नहीं कर रहे, ग्रामीण भारत तक लेके जाएंगे, उनका मैं विशेष धन्यवाद करता हूं क्योंकि आपके बगैर शायद हमारी आवाज़ हर गांव तक पहुंच ना पाए, इसलिए मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूं। तथा हमारे साथी, मेरे मेंटर्स और मित्र जो हमेशा हमारे को साथ देते हैं और हमारी पार्टनर ऑर्गेनाइजेशंस अवनी फाउंडेशन और आगा खान फाउंडेशन के जो रिप्रेजेंटेटिव है सबका मैं धन्यवाद करता हूँ। जब हमने न्यू इंडिया कॉन्क्लेव की एक सोच शुरू की थी तो ये कोई कार्यक्रम नहीं है, ये जो एक भारत की समस्या है उसको एक उसका समाधान ढूंढने के सालों साल की एक प्रक्रिया है और उसका आज हम पहला कदम रख रहे हैं, तो एक शुरुआत है
और हमें खुशी है कि यहाँ इतनी बड़ी संख्या में काफ़ी अच्छी है लोग उपस्थित है जो इस कार्यक्रम को सालों साल आगे लेके जाएंगे। जब न्यू इंडिया कॉन्क्लेव की सोच शुरू हुई तो बात ध्यान में आई कि अगर आप आज ग्रामीण भारत की बात करते हो तो आपको सिर्फ दो चीज़ें सामने दिखती है। अगर आप किसी भी शहर में पूछोगे जो शायद इतना टीवी मीडिया देखता नहीं है तो दो ही बातें करेगा कि ग्रामीण भारत में दो चीज़ें हो रही है, एक तो किसानों की आत्महत्या हो रही है या तो वहाँ कोई असंतोष है। तो रोज़ आप न्यूज़ देखते हो तो आपको लगता है कि वहाँ पे ऐसा कुछ हो रहा है कि चीज़ें उबल रही है। बट जैसे मैं खुद ग्रामीण भारत से आता हूँ, मेरे रूट्स वहाँ पे, काफ़ी हमारी टीममेट सारे के रूट्स वहीं पे हैं, तो वहाँ पे परिस्थिति बहुत अलग है। तो एक सबसे पहले समस्या ये थी कि ये ट्रस्ट गैप जो है या फिर जो पिक्चर आपके दिमाग में बनाई गई उसको चेंज कैसे करें, एक पॉजिटिव नैरेटिव कैसे ड्राइव करें। दूसरी समस्या ये है कि जब हम ग्रामीण भारत की बात करते हैं तो हमें सिर्फ ध्यान में आता है कि हमें CSR करना है या फिर हमें चैरिटी करनी है, हमें सिंपथी देनी है। बट आप आज ध्यान देंगे तो 70% जो भारत है वो ग्रामीण गाँव में रहता है, तो एक बहुत बड़ा मार्केट भी है, बिजनेस मार्केट भी है। तो हम क्यों नहीं देखते, जैसे शहरों को बिजनेस अपॉर्चुनिटी की तरह देखा जाता है तो गाँव को हम उस तरह से क्यों नहीं देखते हैं। और तीसरा एक हम है कि शहरों में बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज हैं, NGOs है, कॉरपोरेट हाउसेस है, काफ़ी सारे प्रोग्राम होते हैं, तो शहरी युवाओं को तो बहुत सारे साधन मिल जाते हैं, बट ग्रामीण जो युवक है उनको कोई साधन नहीं मिलता या कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिलता। तो इन तीन उद्देश्यों के साथ हमने काम की शुरुआत की। जब हमने ये एक थोड़ा प्रोग्राम बनाया, हमारे दिमाग में आया कि ऐसा कुछ करना चाहिए, तो हमारे सामने दो चेहरे आए कि क्या ये दो चेहरे हमसे हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और दोनों चेहरे हमारे साथ जुड़ना ही हमारे लिए एक सपने वाली बात थी, हमें कभी नहीं लगा था ये लोग दोनों हमारे साथ जुड़ेंगे। सबसे पहले हमें लगा कि अगर हम इस लेवल का कुछ करना चाहते हैं, हम कह रहे कि सबसे बड़ा नॉन गवर्नमेंट रूरल आउटरीच प्रोग्राम है ये जो अब तक कभी किसी ने किया नहीं। तो हम कह रहे थे कि एक तो माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी ने जुड़ना चाहिए, क्योंकि वो आपको सबको पता है कि युवकों में बहुत पॉपुलर है और गाँव में उनकी बहुत रीच है। आजकल आप देखोगे रोड बन रहे हैं, बहुत कुछ हो रहा है। और दूसरा हमारे ध्यान में है कि पैडमैन अक्षय कुमार जी क्या हमारे साथ जुड़ सकते हैं क्या। बट हमें लगा ये हमारा सपना है और ये दोनों कभी नहीं जुड़ेंगे हमारे साथ, हमारी संस्था शायद इतनी बड़ी नहीं है कि दोनों नाम हमारे साथ आए। तो हमने सबसे पहले कोशिश की कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को एक चिट्ठी लिखा कि भैया हम ऐसा ऐसा प्रोग्राम कर रहे हैं कि क्या हमारे साथ आप जुड़ सकते हो। तो हमारे का एक रिप्लाई है कि आप ये कुछ चेंजेस कीजिए प्रोग्राम में और आप आ सकते हैं क्या दिल्ली। हमने कहा आ जाएंगे, क्यों नहीं। तो मुझे लगा कोई कलेक्टर या क्लर्क जो कोई ऑफिस में होता है वो बुलाएगा और हड़का देगा कि आप चले जाइए। बट जब हम मीटिंग को गए हमें पता नहीं था हम किससे मिलने वाले हैं, तो मुझे बहुत आश्चर्य हुआ, हमारी टीम को बहुत आश्चर्य हुआ कि मोदी जी उपस्थित थे। हमें 5 मिनट का समय दिया गया था जो उन्होंने कम से कम 25 मिनट का समय दिया। उन्होंने हर चीज़ जानी कि कौन सी कैटेगरीज है, हम क्यों कर रहे हैं, हमारी अपेक्षाएं क्या है, कौन जुड़ रहा है। और काफ़ी उन्होंने नाम सजेस्ट किए, उसमें से आगा खान फाउंडेशन एक नाम था कि उन्होंने कहा कि वो लोग काफ़ी अच्छा रूरल आउटरीच प्रोग्राम कर रहे हैं तो आप उनसे साथ जुड़िए। तो इतना उन्होंने हमारे को सहकार्य किया और उन्होंने कहा कि मैं हर समय पर आपको समर्थन दूंगा। यही बात हमारी अक्षय कुमार जी के साथ हुई। मैंने जब अपने दोस्तों को बोला कि मैं अक्षय कुमार जी को लेटर लिख रहा हूँ, तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे NGO के पास इतना पैसा नहीं है कि अक्षय कुमार जी इंटरव्यू भी दे, वो तो ब्रांड तो एम्बेसडर बनेंगे नहीं। तो लेकिन फिर भी हमने उनको संपर्क किया। मुझे बहुत खुशी है कि सिर्फ उन्होंने हमारे को एक इंटरव्यू या बाइट नहीं दिया है, वो उपस्थित है यहाँ पे, आप देख रहे हो कितना समय दे रहे हैं। और अक्षय कुमार जी जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं, इसका ये नहीं है कि हम कोई हीरो या बॉलीवुड का व्यक्ति हमारे साथ जुड़ रहे हैं। उनकी जो 2 मूवीज हुई वो हमारे अभियान का एक प्रमुख उद्देश्य है। आप देखेंगे पैडमैन और टॉयलेट, ये दोनों एंटरटेनमेंट तो थी काफ़ी, शायद पैसा भी काफ़ी कमाया गया है, बट आप देखोगे कि वो एक तो समस्याएं जो थी। जब टॉयलेट मूवी आई तो मुझे खुद लगा था ये शहरों में ये मूवी चलेगी नहीं, लेकिन मैंने मूवी देखी, बहुत एंटरटेनिंग मूवी थी और जिस तरह से एक समस्या को हैंडल किया गया, आज आप देखोगे सरकार भी वो मूवी नहीं क्या इसमें दिखाती है ताकि लोग टॉयलेट बनाए। तो हमें भी यही है कि, और वो एक गाँव का जो हीरो है जो सिर्फ अपना एक टॉयलेट बना रहा है, कोई बड़ी लड़ाई नहीं लड़ रहा है बट वो एक अपना टॉयलेट बना रहा है और वो एक गांव को चेंज कर रहा है, एक गांव का माइंडसेट क्या। तो ऐसे जो छोटे छोटे लोग हैं जो गांव में एक पूरा नहीं क्या अपना क्रांति ला रहे हैं, चाहे सैनिटेशन में हो, चाहे ग्रीन रिवॉल्यूशन हो। यहाँ पे काफ़ी लोग बैठे हैं हमारे साथ, राधेश्याम गोमला जी बैठे हैं जिनका अपना नाम ही गोमला है, गाँव के नाम पर उपस्थित है, ऐसे बहुत लोग हैं यहाँ पर बैठे हुए। तो ये लोग एक क्रांति ला रहे हैं, बट क्या है कि उनका एक जो प्रभाव है या फिर उनकी जो आवाज़ एक गांव तक सीमित है। क्यों पूरे देश में 100 गोमला गांव नहीं हो सकते या 100 हिवरे बाजार गांव नहीं हो सकते। तो ज़रूरत है कि हम सब जुड़े, सारी NGOs है, जो सेलिब्रिटीज़ है, जो इस तरह के लोग हैं, सारे जुड़े, एक प्लेटफॉर्म क्रिएट करें जो सिर्फ ये ना हो कि कंप्लेनिंग प्लेटफॉर्म हो। हम सजेशन दें, चाहे सरकार को सजेशन देनी हो, कॉरपोरेट्स को देनी हो, उनको एक सजेशन दे और सालों साल एक प्रोसेस चले, पॉजिटिव प्रोसेस, ताकि हम एक गाँव का नैरेटिव चेंज करें। हमने कहा कि इस गाँव थीम लाइन्स देखोगे तो अब बारी हमारी, क्योंकि गाँव के बारे में कभी ग्लैमराइज नहीं किया गया। आज कोई खेती नहीं करना चाहता, क्योंकि इट्स नॉट अ ग्लैमराइज बिजनेस।
तो हमने ये प्लेटफॉर्म खड़ा किया है। हम चाहते हैं कि इस प्लेटफॉर्म पे सारे लोग आए, चाहे एनजीओज आए, चाहे सेलिब्रिटीज़ आए, चाहे पॉलिटिशियंस आए, क्योंकि पॉलिटिशियंस के बगैर भी ये चल नहीं पाएगा, और आखिर में हमारी बात तो पॉलिटिशियंस तक ही पहुँचेगी। और मुझे खुशी है कि आज माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी भी यहाँ पे उपस्थित रहने वाले हैं। इस कार्यक्रम का उद्देश्य ये है कि हम गांव की जो छोटी छोटी स्टोरी है, अगर एक हिवरे बाज़ार की अगर मेरी एक संकल्पना है, मेरा एक अनुभव है, तो वो किसी को तो बड़े लेवल पे ले जाना पड़ेगा। तो हमारा उद्देश्य है कि ये सब स्टोरियों को ऊपर लाया जाए, उसके लिए एक चयन प्रक्रिया है, बट इसका मेन उद्देश्य कि गांव की कहानियां, गांव का अनुभव एक प्लेटफॉर्म पे लाया जाए, उसको सालों साल यूज़ किया जाए, ताकि एक मजबूत और ग्रामीण भारत हम बना सकें। मैं आज सबको इस उपस्थिति के लिए धन्यवाद देता हूँ। आप सब हमारे साथ जुड़िए, मेंटर करके जुड़िए, वॉलंटियर करके जुड़िए, आप सेलिब्रिटी है तो हमारे ब्रांड के साथ जुड़िए, आप जिस तरह से जुड़ना चाहते जुड़िए, अगर आप नहीं भी जुड़ना चाहते तो कम से कम हमारे प्लेटफॉर्म पे, इजी सा प्लेटफॉर्म है, आप अपने आजू बाजू की जो छोटी छोटी स्टोरियाँ हैं, कोई बड़ा आदमी नहीं चाहिए हमारे को, जो छोटा होगा, जिसने शायद अपना एक टॉयलेट बनाया, अपनी वाइफ के लिए कुछ किया, उस तरह लोगों को नॉमिनेट किए। हम चाहेंगे कि सबसे ज़्यादा से ज़्यादा गाँव से आपके साथ जुड़ सके। मैं फिर से सबका एक बार धन्यवाद करता हूँ, और मैं अपेक्षा करता हूँ कि हम सब मिलकर ये अभियान को काफ़ी आगे ले जाएंगे। धन्यवाद। Y for D, यूथ फॉर डेवलपमेंट, इस संस्था की स्थापना, संस्था के हेतु, संस्था के स्थापना के पीछे जो भूमिका थी, उद्देश्य थे, उस सब के बारे में आज तक की जो यात्रा थी, और साथ ही न्यू इंडिया कॉन्क्लेव के बारे में आपने संक्षेप में बताया, बहुत बहुत शुक्रिया। देवी और सज्जनों, अवनी फाउंडेशन ये दालमिया ग्रुप का एक हिस्सा है। उत्तर प्रदेश एवं बिहार राज्यों में युवाओं के साथ अलग अलग क्षेत्रों में ये कार्यरत है। लेडीज एंड जेंटलमैन, अवनी फाउंडेशन इज अ पार्ट ऑफ द दालमिया ग्रुप हु वर्क एट एब्सोल्यूट ग्राउंड लेवल इन द स्टेट्स ऑफ उत्तर प्रदेश एंड बिहार इन सेक्टर्स लाइक एजुकेशन, स्किलिंग, हेरिटेज, आर्ट एंड क्राफ्ट, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली यूथ। We have Mr. Ajit Menon of Avani Foundation, who will now tell us about their thought process behind supporting the New India Conclave. Mr. Menon. Padmashri Akshay Kumar ji. Friends, all those who have joined here for a big cause, thank you for coming. Kehte hain ki the circle of life starts with a thought and then moves on to action, and from action results the experience. I'm happy that today many people have come together for one common cause. Before I talk about Avani, I just want to say that in this country, I think over a period of time, with the population, majority of the population being in the age group of 34 and 35, I think is now bringing a new revolution where they feel that they're moving away from asking for fundamental rights and are now moving towards fundamental duties. I think it's important that जब हम हाथ उठाते हैं और कहते हैं कि मतलब हमें आज़ादी चाहिए, या हाथ उठाते हैं और कहते हैं कि हमें हमारा राइट्स चाहिए, हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि राइट्स के साथ गवर्नमेंट एंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज़ गिवन अस सर्टन फंडामेंटल ड्यूटीज ऑल्सो टू बी परफॉर्म्ड। आई थिंक दिस न्यू जनरेशन विल नाउ मूव टूवर्ड्स परफॉर्मिंग फंडामेंटल ड्यूटीज, एंड द परफेक्ट एग्जाम्पल इज दिस गैदरिंग दैट वी सी हियर। Thank you, Akshay Kumar ji, as you have come here. It's a great honor for all of us. Mujhe yaad hai ki Bharat ke veer pe ab aaye the. I think it was the most fascinating moment. Though I worked in the background, I could see that the amount of energy that you brought in for that particular thing. From building a nation is not very simple. Building a nation comes from every single angle. Jawan ho, kisan ho. दोनों के बारे में हम लोगों ने बहुत बातें की हैं, लेकिन काम कुछ नहीं किया था। अब बारी हमारी है। मुझे लगता है कि ये जो बारी हमें दी गई है, अगर इस पे हम खरे नहीं उतरेंगे तो आई थिंक वी हैव लॉस्ट आउट।
And I think this is one great opportunity for all of us to do some service to the nation. Pradhan Sevak hain. Kehte hain main Pradhan Mantri nahi hoon, Pradhan Sevak hoon. Mujhe lagta hai ki ab hamari bari hai ye bhi kehne ke liye ki matlab main bhi sevak hoon. I think it's that service that which we have inculcated in our system, as it for 5,000 years, that we need to bring forth again once more. Avni Foundation, to speak very briefly, is headed by the chairwoman, that is Avantika Dalmia, and she personally, as is like, you know, drives this. I work very closely with her, though I am the group HR head, as is like, you know, Dalmia Bharat Group, but I work very closely with her on this. And I think we've done some great amount of work in terms of value education for small children in primary schools. Hum schoolon mein jaate hain aur bachcho ko sikhate hain ki hamare Bharat ki sanskriti, culture aur Indian values, I think many people have forgotten. And in schools also, it's just like, you know, they seem to be spending more time making children literate. I think by giving them value and culture education, we will educate them rather than making them only literate. We also work with the youth conclaves. We conduct youth conclaves every year to bring the youth together. We work towards climate change. We have done a lot of work in art, culture, photography, Indian art, celebrating Indian art, promoting them. And I think most importantly, as is like, you know, now we are moved towards Gram Parivartan, where we are trying to do work at a holistic level, as is like, you know, in the villages. I am very, very proud, actually, to be associated and to be a part of the New India Conclave. Sankalp se siddhi kehte hain. I think the time has come now for us to join hands, work for one very big cause, which is nation building. And nation building starts from our villages. And I think that's the best place to start. And I thank you all for being here and being a part of this journey. Namaskar. Thank you very much. भारत की आबादी का बड़ा हिस्सा युवाओं का है. मेनन सर ने अभी अभी एक बहुत ही अहम चीज़ जतलाई. युवाओं को अपने हक के साथ अभी अपनी जिम्मेवारी उठाने में बड़ा रस है. और अब बारी हमारी, यही हमारा Y4D का बोध वाक्य है. सो लेडीज एंड जेंटलमैन, बड़े गौरव की बात आज हमारे लिए ये है, सामाजिक उत्तरदायित्व निभाने वाले एक संवेदनशील व्यक्ति बॉलीवुड सुपरस्टार अक्षय कुमार जी न्यू इंडिया कॉन्क्लेव को ब्रांड एम्बेसडर के रूप में प्राप्त हुए हैं. अपने निजी जीवन में समाज के प्रति अपनी जिम्मेवारी उठाते हुए आप अपनी फिल्मों में समाज प्रबोधन के विषयों का चयन करते हैं, उन्हें प्राथमिकता देते हैं. और व्यावसायिक स्तर पर ये सारी फिल्में हाल ही में टॉयलेट और पैडमैन बड़ी हिट रही है. और इसी से युवा वर्ग में आपकी जो फैन फॉलोइंग है उसका पता चलता है. आइए देखते हैं अक्षय जी पर बनी हुई एक छोटी सी वीडियो. ग्रामीण भारत में जो परिवर्तन के दो भूमिकाओं में हमें नजर आता है, टॉयलेट एक प्रेम कथा का केशव और पैडमैन का लक्ष्मीकांत, इन दो भूमिकाओं को निभाने वाले अक्षय कुमार आज ग्रामीण परिवर्तन के काम में जुटे हर किसी के लिए एक आदर्श बन चुके हैं. इन भूमिकाओं के अलावा अपने निजी जिंदगी में अनेक सामाजिक उपक्रमों के साथ अपने सक्रिय सहभाग एवं आर्थिक सहायता के रूप में जुड़ने वाले अक्षय कुमार आज इस देश के हर युवा के दिल में बसते हैं.